तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, हाई क्वालिटी ऑडियो या वीडियो का आई थिंक बेस्ट लॉजिक रिस्पॉन्स या रीज़न यही होगा कि बहुत ही सिंपली, क्योंकि एडिटिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में, आप जो व्यूअर है आराम से जान सकते हैं एक क्रिएटर की असली राय या उनका व्यू किसी चीज़ पे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका। लुइस एल सिंगर, जाना माना एक ग्लोबल सेलिब्रिटी है, उनका एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है अनबॉक्स थेरेपी। करता क्या है ये आदमी, ये बड़े सारे डब्बे लाता है, उनको खोलता है, उनमें से चीज़ें निकालता है और फिर आपको बताता है ये फ़ोन है, इसके ये तौर तरीके हैं। पर असलियत तो ये है कि ये एक बहुत समझदार, टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंसान है जो हम जैसे आम आदमियों को बताता है कि टेक्नोलॉजी का असली अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इस आदमी ने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो निकाली थी जिसमें कुल मिला के शायद 2 मिलियन व्यूज़ या कुछ आ गए होंगे, और सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, हमारे देश के एक बड़े ही अभिनेता ही कह लो एक तरह से, फेमस टेक्नोलॉजी बिजनेस लीडर हैं, उनकी बात ज़्यादा सुनने से प्रेफर करते हैं देसी लोग लुइस एल सिंगर की बात। लुइस एल सिंगर ने ये वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें बताया था कि जियो 5G का असली मोल अर्थ क्या है, इंडिया आते आते इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि एक गोरे आदमी जो इंडिया में रहता भी नहीं है उसकी बात सुनने के लिए क्यों हम इतने कॉन्शियस या इतने कॉशियस हो रहे हैं। और असलियत ये है क्योंकि ये आदमी, जैसे मैंने बोला, पूरी दुनिया के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी, फ़ोन, कैमरा, माइक सब के बारे में बहुत बढ़िया ज्ञान देता है। और तो और, लोगों को पॉडकास्ट सुन के एक बड़ी अहम अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो है अनुच्छेद अनुसार प्रदर्शन, माने अंग्रेजी में बोला जाए तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। काफ़ी पॉडकास्ट में आपको 2 से 4 लोगों के लंबे वार्तालाप या कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलते हैं। देखने या सुनने वाले को बड़े अच्छे से पता चलता है कि ये आदमी या औरत अपनी कोई राय जब पेश करते हैं तो वो ऐसा क्यों पेश करते हैं। अब ये जो क्यों पार्ट है, ये आप TV नेटवर्क वगैरह जो हैं उन सब पे ये सब अच्छे से नहीं देख पाते, क्योंकि TV नेटवर्क वगैरह बड़े टाइम्स पे, अनटिल नेस आप लाइव ना हो, काट देते हैं, वीडियो क्लिप कर देते हैं, शब्द उड़ा देते हैं। और तभी मुझे तो ऑनेस्टली TV देखने में कोई मज़ा ही नहीं आता, ना ही पहले आता था। और तभी आते हैं हमारे ये प्यारे वीडियो पॉडकास्ट की इंटरव्यूज़। तो दोस्तों, तीसरा किफ़ायती फ़ायदा सुनने के लिए या देखने के लिए पॉडकास्ट हैं कि किसी औरत या आदमी की बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देख सकते हो या उनके माइक के पास रह के बोलने का तरीका आप सुन सकते हो तो आपको एक हल्का सा ना वो कंफर्ट बैठ जाता है कि अच्छा, ये बंदा भी जो बोल रहा है ना, एकदम कंफर्टेबल होके बोल रहा है, डर डर के नहीं बोल रहा कुछ। तो कैजुअल बॉडी लैंग्वेज, हल्की सी एक गाली, इन सब छोटी मोटी यू नो टिप्स या फीलिंग्स को देख के लगता है कि आदमी ईमानदार राय का सुरूर जता रहा है या फिर अपना सरासर सच बोल रहा है। नहीं तो इसका एक मैं बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहता हूँ जो एक दिन पे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था इस चीज़ ने। एक इलॉन मस्क, या देसी भाई जैसे कहते हैं एलन मस्क, एलन मस्क नाम का एक
मालिक है टेस्ला कंपनी का, जो ये बत्ती पे चलने वाली गाड़ियाँ बना रहा है आजकल। तो एलन मस्क की जो ये टेस्ला नाम की फैक्ट्री है, अगर आपने नहीं सुना होगा, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के इस मालिक ने पहली बार एक पॉडकास्ट किया, मशहूर पॉडकास्टर जो रोगन जी की जय हो, जो रोगन जी के साथ किया था उनने। और जो रोगन गांजा पीते हैं, वो एक 50 साल का आदमी है जो बड़ा ही पेचीदा करियर लेके आया है, बड़े पेचीदे सवाल पूछता है, पर असलियत यही है कि उनके देश में यानी अमेरिका में गांजा उस समय उस शहर में पीना बिल्कुल नियमित तौर से अलाउड था। तो एलन मस्क जी आए और उनने मस्त गांजे की बत्ती जलाई और नशे करके उड़ने लगे, वेरी नाइस। पर उनने ये नहीं सोचा कि मेरी जो कंपनी है टेस्ला नाम की, वो तो अब स्टॉक मार्केट में उसका भाव गिरने लगा है। तो जितना ज़्यादा उनने गांजा जलाया, उतना ही टेस्ला का स्टॉक गिरने लगा। तो ऐसे मन घड़ंत और अजीब और गरीब छोटे छोटे पल देखने को मिल जाते हैं पॉडकास्ट में। छोटे तो नहीं है, तो काफ़ी बड़ा पल है। और जैसे मैंने बोला, ये जो ऑथेंटिक या सरासर सच्चाई की फीलिंग या किसी आदमी की परछाई है, वो सिर्फ पॉडकास्ट पे ही देखने को मिलती है दोस्तों। वेरी नाइस, मज़ा आया। तो अब फाइनली मुद्दे की बात पे आते हैं। इंडिया में क्या चल रहा है आजकल इन पॉडकास्ट के चक्कर में, फिक्र मत करिए, मैं बताता हूँ। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जानने के लिए कि पॉडकास्ट कैसे होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। और याद रखिए, सस्ती मस्ती ना कोई ज़बरदस्ती।